नमस्कार दोस्तों, फिर से इस नए वीडियो में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हर बात इस बार भी एक नया वीडियो आप सभी के सामने आ गया है। फ्रेंड्स, सामने देख सकते हैं, ये पड़ाव से रामनगर का मार्ग है और यहाँ पर रोड को उधेड़ने का काम चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, जो गिट्टी थी उसे हटाने के बाद यहाँ पे काम शुरू कर दिया गया है और काफ़ी धूल उड़ रहा है। यहाँ पे आगे मशीन लगी हुई है और इस साइड सड़क चौड़ी कर का भी काम स्टार्ट कर लिया गया है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं पूरा नज़ारा सभी को, कैसे वीडियो बना रहे। तो हम यहाँ से चलेंगे रामनगर की तरफ और यहाँ पे जो नज़ारा अगल बगल के जितने भी मकाने हैं जो आगे बनी हुई थी उसे तोड़ने का भी काम कर लिया गया है। उधेड़ दिया गया है पूरा रोड, इतना ही बचा हुआ है सामने जो है। और यहाँ पे वाली मशीन लगी हुई है, देख सकते हैं जो रोड के खोदने का काम है, पूरी तरीके से खोदा जा रहा है इससे वाले। तो ये मशीन है बड़ी वाली, देख सकते हैं कैसे इसको रोदने का काम कर रही है यहाँ पे। बहुत ये वाली मशीन है, और काम यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट हो गया है। तो जितना भी लेयर है उसे हटाने का काम हो रहा है। तो ये पड़ाव से रामनगर तक फोर लेन करने का गवर्नमेंट का इरादा है और यहाँ पे टू लेन के लिए देख सकते हैं जगह बनाई जा रही है। बाद में हो सकता है कि दो लेन अगल बगल बनाया जाए तब जाकर ये फोर लेन होगा, अन्यथा ये टू लेन ही रह जाएगा। तो सभी समझ सकते हैं कितना रोड बन रहा है। फ्रेंड्स, आसपास नालियाँ बन चुकी हैं पूरी तरीके से। ये देखिए, वीडियो बनाना फ्रेंड्स आसान नहीं होता, काफ़ी मुश्किल होती है। देख सकते हैं ये पास पास से ट्रकें गुजर रही हैं और वीडियो बनाना पड़ रहा है सभी के लिए। थोड़ा सा कुछ हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। देख सकते हैं मकाने भी तोड़ी जा रही हैं, जहाँ तक संभव है वहाँ तक मकाने तोड़ी जा रही हैं, उसके बाद फिर लिया जाएगा क्योंकि फोर लेन के लिए इतना रोड काफ़ी नहीं है, इतना जगह टू लेन के लिए ही है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बदल चुकी हैं, यहाँ के पेड़ कट चुके हैं, घर भी कुछ तोड़े जा चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहीं पे रमादा होटल भी है जो थ्री स्टार है। तो हम कटेसर पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। हमने वीडियो जहाँ से शुरू किया था वो था भोजपुर और ये है कटेसर। तो ये है नंबर वन होटल जहाँ 6,000 रुपये एक दिन के लगते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ गप्पा गणपति अपार्टमेंट जो कि रूम रेंट पे मिलता है यहाँ पे, देख सकते हैं कई सारी चीज़ें। और यहीं से आप सभी गंगा यानी बालू बीच पर भी आसानी से जा सकेंगे।
तो देख सकते हैं बीच बीच में जैसे रोड उधेड़ा गया है, इधर ऊंचा बन रहा है, इधर थोड़ा खाल हो गया है। बहुत सारी दिक्कतें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 सपोर्ट करें, हेल्प करें। रोड भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, तो नालियां अगल बगल बन चुकी हैं और जहाँ पे रोड है वहाँ पे फेंस नालियाँ नहीं बनाई गई हैं। गुलाब कोठी आ गया यहाँ पे, ये भी एक होटल ही है। और कुछ आगे फ्रेंड्स नालियाँ बनाने के साथ साथ यहाँ पर ढेर सारे घर भी तोड़े गए हैं कुछ कुछ, और यहाँ पर पेड़ भी काटे गए हैं। आगे दिखाई दे रहा होगा सभी को फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ का घर भी तोड़ा गया है, पेड़ भी कट किया गया है। अभी कुछ कुछ नालियाँ भी बनाई जा रही हैं, तो काफ़ी दूर तक काम हुआ है, देख सकते हैं नालियाँ बन रही हैं। नालियाँ पहले इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि बारिश हो जाएगा तो फ्रेंड्स काफ़ी भर जाता है और रोड बन नहीं पाता है, इसी वजह से नाली का काम पहले करा जाता है। ये देखिए पेड़ बचा हुआ अभी कट हो जाएगा और आगे कटा गया। और साइड में भी गिट्टी फेंकने का काम किया गया, देख सकते हैं। तो काफ़ी रोड ख़राब है फ्रेंड्स और काफ़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। घर का रोड ठीक है और यहाँ पे नाली बनाने का काम देख सकते हैं चल रहा है। इस साइड और उस साइड दोनों साइड बना जा रहा है।
साइड भी देख सकते हैं बाबा का बुलडोजर और ढेर सारी मशीनें काम करते ही हैं। इसके आगे से रोड बनना स्टार्ट भी हो गया यहाँ से, तो ये रोड बनना स्टार्ट भी हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं रोड पूरा चकाचक पूरा बना दिया गया है, काफ़ी चौड़ा रोड हो गया है। ये नाली है, नाली के बगल से रोड गया है, देख सकते हैं कितना चौड़ा हो गया। तो काम जोरों शोरों से है हो रहा फ्रेंड्स। आप सभी को बता दें कि इतना ही दूर रोड बन सका है, यानी जो पत्थर लगा हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ तक रोड बना हुआ। उसके बाद जैसे मकाने देख सकते हैं तोड़ दी गई हैं पूरी तरीके से, ब्रेक हुई है, इधर भी ढेर सारा काम हुआ है, नाले बनाने का काम, साथ ही रोड बनाने का काम और भी कई तरह का काम यहाँ पे किया गया है। देखते हैं तो बहुत सारा यहाँ पे काम करा गया है। देख सकते हैं पुत्री के तो रामनगर के PSC तिराहा पे हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध रामलीलाएं होती हैं। लगभग 10 दिन बीत चुके हैं रामलीला के लिए, रामलीला हो रहा है स्टार्टिंग से। शाम होते ही यहाँ पे भयंकर रामलीलाएं होंगी, अगर आप सभी नहीं देखे तो एक बार ज़रूर आएँ, पूरा मेला लगता है फ्रेंड्स काफ़ी दूर तक। ये है जनकपुर, और यहीं पे होता है भव्य रामलीला। रोड काफ़ी चौड़ा हो जाएगा इसके बाद, तो फ्रेंड्स और तेज़ गाड़ियाँ चलेंगी यहाँ पे। देख सकते हैं कितना सुंदर और चौड़े रोड का नज़ारा, यहाँ पे नालियाँ बन चुकी हैं, तो बगल से भी अभी रोड लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, प्लीज़ आप सभी अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो एक लाइक करके ही जाइए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है फ्रेंड्स। थैंक्स वॉचिंग फ्रेंड्स।